नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शोजी भट्टाचार्य और आप लोग देख रहे हैं शुभो टीवी। दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए, सब्सक्राइब करना ना भूलना और मेरा लाइक जरूर प्रेस करना। इससे क्या होगा, मैं जो भी रखूँगा फिर नोटिफिकेशन आपको चला जाएगा। और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलना दोस्तों, बिल्कुल फ्री है। चलिए दोस्तों, पे शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, अमावस्या योग, इस योग के बारे में आज आपको बताऊँगा। अमावस्या योग बनता कैसे? जो भी इंसान अमावस्या के समय जन्म लेता है उसके कुंडली में अमावस्या योग होता है। दोस्तों, इस समय तब दोस्तों अमावस्या योग होते हैं। जिस चीज संबंध से योग नहीं बनता, जब भी दोस्तों एक घर में 12 राशियों में से कहीं पर भी सूर्य या चंद्रमा आके बैठ जाए एक साथ, तब दोस्तों अमावस्या योग होता है। देखिए देखिए दोस्तों, सूर्य होते हैं राजा, और दोस्तों राजा के सामने बैठ जाए तो कहने के हर एक इंसान राजा की तरफ भी मन रहेगा, वो सामने वाले बंदे के ऊपर नहीं। जैसे समझ और मेरे चाकमा पर मुझे कोई नहीं देखेगा, सभी प्रधानमंत्री को देखेंगे, कहेंगे प्रधानमंत्री का उड़ब्बा है, उस तक पे जाने की क्षमता है, कुछ भी कर गुजरने की क्षमता होते हैं। जब भी दोस्तों सूरज के पास जाके कोई भी प्लैनेट चला जाता है तो उस प्लैनेट के कार्य तत्व और वो प्लैनेट जो भी हो जाता है। ऐसे दोस्तों चंद्रमा जब भी दोस्तों सूरज के पास जाके बैठेगा तो इंसान कोई भी डिसीजन पे फिक्स नहीं रहेगा। टेंशन, डिप्रेशन, मानसिक अशांति, घर में कहीं ना कहीं उसको चैन नहीं मिलेगा, हर एक काम को चेंज करता रहेगा, आई मी माई सेल्फ पर रहेगा, बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड होगा, मेटेरियलिस्ट होगा, हर एक चीज़ में अपना मतलब देखेगा। किसी भी टाइप की रिलेशनशिप हो, कहीं पर भी इस तरह के आप देख सकते हैं। अपने अपने थाली पर खाएगा, किसी का भी झूठा नहीं खाएगा, हमेशा खाना एकदम अच्छा होना चाहिए, हमेशा सही होना चाहिए, किसी के साथ बात नहीं करेगा, अपने तक रहेगा, बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड नहीं होगा दोस्तों, एक्सपर्ट बहुत ज़्यादा अपने तक हर बात रखेगा और बहुत ज़्यादा सेल्फिश होगा इंसान। आज के ज़माने में सेल्फिश होना कोई बुरी बात नहीं है दोस्तों, लेकिन दोस्तों टेंशन, डिप्रेशन, मानसिक अशांति, हर एक चीज़ में फिक्स ना रहना, ये बुरी बात होता है दोस्तों। तो अमावस्या योग ये होता है। दूसरा दोस्तों, यहाँ पर केमद्धम योग भी हो जाएगा, कोई अच्छा प्लान का दृष्टि ना पड़े तो चंद्रमा पे, तो इंसान गलत निर्णय ले लेता है, गलत डिसीजन ले लेता है, कहीं ना कहीं एक दो बार लाइफ में इसको एक तो जो इसको बहुत ज़्यादा दबा के रखेगा, कोई भी काम करने नहीं देगा, सक्सेस नहीं मिलेगा, उसको बोलेगा तू ये मत कर, मैं कर दूंगा, तू क्यों कर रहा है, और हर एक क्रेडिट लेके चला जाता है दोस्तों। अमावस्या योग में जो भी जन्मा होगा, कोई भी जातक या जाती का आप देख सकते हैं दोस्तों। अब सवाल आता है दोस्तों, इसका रिमेडी क्या होता है दोस्तों? देखिए दोस्तों, अमावस्या योग तो क्या, जब भी दोस्तों राजा के पास आपको जाना होता है दोस्तों, आपको कहीं ना कहीं लेटर, अथॉरिटी या फिर आपको उस मुकाम पर जाना पड़ेगा जहाँ आप राजा के सामने खड़े होंगे और सभी आपको देखेगा। इसकी वजह से आपको जो चंद्रमा है दोस्तों, उस चंद्रमा को पावर देना पड़ेगा। पहला देखिए दोस्तों, चंद्रमा कहाँ पर बैठा है दोस्तों? 3, 6 और 12 और 8 में अगर चंद्रमा बैठे तो कभी भी रत्न मत लेना दोस्तों। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा मारा प्लैनेट है दोस्तों, आपकी कुंडली के लिए जैसे मिथुन लगन, कन्या लगन की सब मारा प्लैनेट है दोस्तों चंद्रमा, तो कभी भी दोस्तों उनका रत्न मत पहनना दोस्तों। अगर आपके लिए फेवरेबल प्लैनेट है दोस्तों और 6, 8, 12 थर्ड हाउस में नहीं बैठा है दोस्तों, कोई अच्छे भाव पे बैठा है, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, आपके 7 हाउस, आपके 9 हाउस, आपके 10 हाउस, 11 हाउस, यहाँ पर बैठा है दोस्तों, आप इसके रत्न धारण कर सकते हैं। अगर दोस्तों रत्न धारण नहीं कर सकते तो यहाँ पर महादेव की पूजा करने से आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, सफेद जो का दान करने से भी बहुत ज़्यादा फायदा होगा, 20 मंत्र का जाप करने से भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। सबसे दूसरा दोस्तों, आप लोगों के साथ घूमिए फिरिए, बात कीजिए, हर एक चीज़ को सीखने की कोशिश कीजिए और एक जीत लाइए मेरे तो आपको दोस्तों बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो दोस्तों मेरा वीडियो तो एक था कि मेरा वीडियो आपको पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलना। आप लोग देखो बहुत बहुत शुक्रिया, बाकी वीडियो देखते रहना।